मेरा नाम यश है और मैं yatra.org से बात कर रहा हूँ। और ओके अभी अपने जनवरी पर जूनागढ़ की ट्रिप लगाई थी, राइट? राइट राइट हाँ ओनली सर जुनागढ़ जी। नहीं, मैं गया था द्वारका, सोमनाथ एंड जूनागढ़ अच्छा, तीनों पर गए थे सर। अच्छा, गया और यात्राधाम से गए थे या फिर कोई और वेबसाइट था। से? नहीं, यात्रा से गया था मैं। हमारी शुरुआत हुई थी 13 जनवरी से, 8-9 बजे निकले थे वहाँ, गए थे शिवरातपुर, गए वहाँ से हमने 11 बजे निकले शिवरातपुर से, तो पोरबंदर से जाते सीधा पहुंचे थे सोमनाथ। वहाँ हमें शाम तो 5 बजे ज्वाइनिंग करना था, आपके थ्रू ही होटल थी ओके कौन सी वहाँ थी? पर सर, थी श्रीजी श्रीजी भवन तरते था। एक्चुअली हमने श्रीजी लिया था वो छोड़ियार मंदिर देश साउथ तरते था, तो लेकिन उसने हमने एजेंट किया था, मतलब आपके थ्रू नई होटल में बुकिंग करवाई थी, श्रीजी देश साउथ तरते थी। एजेंट अच्छा पर के पास ही है सर, नियर अबाउट टेम्पल, अच्छा तो जैसे पंडा द्वार जो सोमनाथ का मंदिर है ना, उसका पिछला दरवाजा मतलब पिछले जो गेट है हाँ जी। उससे नीचे साउथ। अच्छा ओके ओके। और सोमनाथ में आपने मतलब कौन से टाइम पर आप पहुंचे थे वहां पर? चेकिंग कब से कब हुआ था? मैं वहाँ पहुंचा था 7 बजे, 7 बजे पहुंचा था वहाँ पर, 7 के आसपास में वहाँ पहुंचा था। वहाँ रूम हमने लिया, ज्वाइनिंग प्रोसेस कर दी थी, रूम में सब जो थे हमारे जो सब कुछ डॉक्यूमेंट्स थे वो रख दिए थे। उसके बाद आए हम टेम्पल पे, रात तो 8:45 के आसपास वहाँ पर पहुँचे थे। अच्छा बहुत सर बहुत वहाँ पर भी जैसे रहता ना, कि मेरे जो मेंबर्स थे, मेरे होम मेंबर्स 7 पीपल्स थे वो, और सोमनाथ जी 8 ही पर्सन टेम्पल में थे। ऐसे अच्छा उनका फोन आया था सर आपसे देखा उसका, कि आप अभी आए नहीं है। मैंने बोला बहुत यहाँ पर ट्रैफिक भी था और थोड़ा घूमने के लिए लेट हुआ हूँ, वहाँ पहुँच जाऊँगा। वो सामने से लेने भी आए थे, उन्होंने अपना रास्ता भी दिखाया और अच्छा हुआ, लेकिन दर्शन अच्छे हुए थे मैं रात तो 9 बजे में। राइट अच्छा ओके सर। तो सोमनाथ में आपको जो रूम प्रोवाइड किए गए थे, राइट? तो रूम कैसा था? हम जैसा बताया कि क्लीन था, कैसा था? बहुत क्लीन था यार, अच्छा बहुत ओके क्लीन था। उसकी जो रूम जैसे हमने देखे बार बार से सुनी हुई थी, तेरे भी 5 स्टार में जैसे ऐसे रूम होते हैं वैसा सब होता है, उससे भी बेटर रूम्स यहाँ मिले हमें सब जगह पर। तो अच्छा ओके ओके सर जी। बहुत अच्छा मिला, वहाँ भी हमारी बात हुई, बोला थी सर आपसे जो तो हुआ था उससे ज्यादा टोस्ट वाला अच्छा है। अच्छा ओके। फिर आपने सोमनाथ पर जो रात को जो आप विजिट किए सोमनाथ पर, तो सर आपने वहां पर भी आरती अटेंड की होगी? हाँ सर, नाइट वाली, राइट नाइट वाली सर आपको यार, तब कैसा एक्सपीरियंस रहा नाइट वाली आरती पर? अपनी यहाँ पब्लिक थी, भीड़ थी, उसके बावजूद भी इतने अच्छे दर्शन हो रहे, तो ऐसा रहती है पर्सन थी अभी यहाँ। जो आपने विजिट किया ये जनवरी में, राइट सर? हाँ तो अभी कोविड का ये सिचुएशन चल रहा है, राइट सर, राइट? तो सर आपने जो तीनों प्लेसेस विजिट की है, तो सर वहाँ हाँ पर जो सोशल डिस्टेंस है, मास्क है, तो सर वहाँ पर अगर मेंटेन होता था? हाँ सर, हो रहा था, बहुत होता था सब जगह पे हुआ है। उन्होंने सोशल डिस्टेंस भी करवाए, मास्क भी ले लिए थे और सैनिटाइज भी रखा हुआ था सब जगह। देते ना उन्होंने ह्यूमैनिटी, देते ह्यूमैनिटी है, जब सब कुछ रखना भी है और सब तो एंजॉय भी करवाना है, हाँ जी वो बेटर रहा सर, अच्छा ओके। बहुत अच्छा रहा सर। ऑनलाइन बुकिंग करना पड़ा था दर्शन के लिए मंदिर में? नहीं कुछ नहीं सर, मैंने आपसे वहाँ ही पूछा था फोन करते भी, ऑनलाइन बुकिंग करवाने तो कर देते, लेकिन बताया था नहीं वहाँ करना नहीं है, वहाँ आप तो फ्री ऑफ हो जाएगा, ये नहीं करवाया था सर। ऑफलाइन पर हो जाएगा? होप अच्छा और जो आप मेंबर गए थे उसमें सर आपके साथ कोई सीनियर सिटीजन था? हाँ सर, मेरे पापा थे जिसकी एज 59 ईयर्स है, अच्छा मम्मी ये 55 ईयर्स है, एंड मेरे सिस्टर थे, सिस्टर इन लॉ एंड सिस्टर इन फादर है, वो थे मोर देन 55 ईयर्स थे सर। सर, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सीनियर वो सब सिटीजन सर वो सब तो ऐसा लग रहा था आपके दर पे ही घूम रहे, इतनी इतनी थे? अच्छी सुविधा मिली है ना आपसे वहां से। पहले अच्छा रहा थी तैसा रहता तो इतनी, मैंने बोला नहीं, उन्होंने जो सपोर्ट किया है जो बताया हुआ है वो ही रहता। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, फर्स्ट टाइम हम जा रहे थे, सब तो मन में डर था कि तैसा रहे था, लेकिन जब रिटर्न आ रहे थे तो सबने ऐसे जता थे, जब भी जहाँ भी जाना हो आपके साथ ही जाना है। अच्छा मतलब आपका जो एक्सपीरियंस रहा वो बहुत ही, जितना आपने सोचा था उससे भी बढ़िया रह गया। बहुत अच्छा रहा सर, बहुत अच्छा अच्छा।
अच्छा ओके। और फिर अब मेरा लास्ट क्वेश्चन सर आपके साथ कि हाँ जो अभी आपने जो यात्रा दम डॉट ओ आर जी की वेबसाइट में से आपने बुकिंग किया ये तीनों पेज के लिए, तो सर आपका वो जो बुकिंग हुआ वो इजीली हो गया था, आपको कोई उसमें दिक्कत आई थी ऐसा कुछ था? सर ओवरऑल तो इजीली हो गया था, लेकिन सोमनाथ में सर्च करना पड़ा था क्योंकि वहाँ आप भी जानते मैं भी जानता हूँ सोमनाथ टेम्पल पे पीपल बहुत ज़्यादा थे, ताइट फेस्टिवल था, सब लोग वहाँ पर दर्शन के लिए बहुत ज़्यादा जाना चाहते थे, इसलिए वहाँ बुकिंग करने में टॉप इसलिए हुआ था कि वहाँ होटल मिलना बहुत ज़रूरी था, जैसे मैं चाहिए थी वैसे ही सपोर्टेड था, आपका फुल्ली था, उसके बावजूद जिन्होंने बुकिंग करवाया लेकिन उस बंदे ने कुछ रीजन से रिजेक्ट किया होता, लेकिन आपने जो मैंने करवाया वो बेटर है सर, अच्छा मुझे बहुत अच्छा लगा सर। कोई भी इंसान तो है या कोई भी ऐसी सपोर्टेड साइट है या कोई मेम्बर से जो हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे अच्छा ये वो सर, हम मैं और हमारी फैमिली तो बहुत अच्छा रहा भाई, नहीं बहुत अच्छा हुआ था वो तुझ तो करवाया सर। प्लस पॉइंट मैं आपको यही बोलूँगा जितने भी लोग सुन रहे वो उसमें कि आपसे जितने भी होटल्स थे जो आपने बुकिंग करवाई थी वहाँ सारे मैनेजरों ने हमें सामने से फोन किया है, गवर्नमेंट के थ्रू इतना अच्छा मिलना की इतनी अच्छी सुविधा मिलना जो तू भी नहीं सोचते बोले वो मिली है, वो सिर्फ आपको यात्रा था में से ही मिला। बहुत अच्छा लगा सर, सच में बहुत अच्छा था सर। अच्छा अच्छा ओके ओके। तो फिर फाइनली सर जी हमारा ये जो पूरा सेटअप रहा, मैंने सोचा था कि 5 मिनट में कंप्लीट हो गया, बट मुझे नहीं पता था कि एक्चुअली आप 3 प्लेस विजिट कर चुके हो इन यात्रा धाम से। नहीं सर 5 मिनट ही हुआ, अगर आपने हमें लिए इतना सब कुछ दिया है तो आपके लिए पूरा दिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो लोग अच्छा काम करते हैं उनके लिए सपोर्ट करना हमारे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सर। यस सर ऑब्वियसली बात है। थैंक यू सो मच सर जी जो आपने अपना टाइम देके सर ये पूरा लाइव सेटअप में आपने ये सब सारा बताया, उसके लिए थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर।